यह सीधी तस्वीरें हम आपको भदोही जिले के विकास खंड डीग के ग्राम पंचायत बैरी बीसा से दिखा रहे हैं। ये मधैना गांव में नव निर्मित इंटरलॉकिंग वो सड़क है जो इस गांव को आज़ादी के बाद पहली बार नसीब हुई है। इसका उद्घाटन आज ज्ञानपुर के निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे ने किया। प्रमुख उद्योगपति धर्मवीर दानवीर कर्ण के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र ददा के मार्गदर्शन में ग्राम प्रधान दिलीपुर दिल्लो द्वारा बनवाई गई इस इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन आज जब विधायक विपुल दुबे ने किया तो उन्होंने खुद भी तालियां बजाई। तालियां इसलिए भी थी क्योंकि आज़ादी के बाद इस गांव को ये सड़क पहली बार नसीब हुई थी। विपुल दुबे बोल रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे। आज की डेट में वर्तमान आधुनिक युग का दानवीर कर्ण की उपाधि दी जाए तो भी कम है। साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महान व्यक्तित्व को मार्गदर्शन हम जैसे लोगों को प्राप्त होता रहता है। और मैं आपकी एक एक बात का पूरे अंतःकरण से, मन से, वचन से कोशिश करता हूं कि निर्वहन होता रहे, क्योंकि आपके अंदर जो भाव है, जो प्रेम है क्षेत्र के प्रति, जो इस यहाँ की जनमानस के प्रति जो श्रद्धा है, जो लगाव है, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो अपना जनपद हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का कोई क्षेत्र रहा हो, जो भी क्षेत्र का साथी मदद के लिए अगर गुहार लगाया होगा तो निश्चित तौर पर हमारे निखिलेश दादा ने उसकी मदद कर दिया होगा। फिर पलट के पूछा भी नहीं होगा कि आप की मदद किए थे और आप कैसे हैं। मदद कर देते हैं, भूल जाते हैं, फिर आगे जो भी समस्या आती है फिर उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा आपका, उसके पीछे कोई ये नहीं है कि हम आपकी मदद करेंगे और बदले में हम आपसे मदद लेंगे, इस तरीके का कोई भाव नहीं रहा। बिना किसी भाव के, बिना किसी बदले के, बिना किसी अब मतलब उसके एहसान के, आपका जो चरित्र है वो इस क्षेत्र के लिए अनुकरणीय है। और हम सभी चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में यह क्षेत्र हमेशा फलता फूलता रहे। मैं अपने तमाम जो बड़े लोग हैं उनके बीच आपकी जब चर्चा करता हूँ तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बड़े बड़े अफसर भी रहते हैं, उनके सामने भी जब बात होने लगती है तो यही बोला जाता है कि आज हमारे क्षेत्र में ऐसी सौगात, ऐसा जो विचार आपका है वह चारों तरफ सुशोभित हो रहा है, चारों तरफ लोग उसका लाभ पा रहे हैं। ऐसा दानवीर कर्ण यदि हमारे क्षेत्र को आपके रूप में मिला है तो हम आपसे बस निवेदन करते हैं कि कभी इस क्षेत्र को भुलाइएगा मत। यह क्षेत्र भी आपका अपना है, सब लोग आपके लिए तन मन से हमेशा खड़े रहेंगे। धन तो आपको ईश्वर की कृपा से उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां आवश्यकता अगर कभी कोई सामाजिक कार्य में पड़ेगी भी तो भी यह क्षेत्र आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। दादाजी, अभी हम लोग गंगा जी के किनारे पर माँ चंद्रिका धाम के तट पर साथ में स्नान किए, पूजा पाठ भी हुआ। मेरी गलती थोड़ा सा उस दिन थी कि मैं उस दिन समय से नहीं पहुंच पाया, जिले में पहली मीटिंग लगी हुई थी, या मेरा ही दोष, मैं पूरा दोष अपने को मानता हूं कि मैं उस दिन के कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम पूर्वांचल में अद्भुत कार्यक्रम था, समय से नहीं पहुंच पाया था, उसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, मंच पर उपस्थित बड़े भाई श्री अरुण मिश्रा जी, डीग ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, बड़े भाई श्री मनोज मिश्रा जी, ज्ञानपुर के ब्लॉक प्रमुख, बड़े भाई श्री बबलू सिंह जी, श्री टिंकू शुक्ला जी, जेपी मिश्रा जी, सीलू दादा, चंद्र कुमार मिश्रा जी, मुन्ना भाई, सभी लोगों का हम अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आप आज जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफल हुआ है,
हम लोग रोड की जब रोड पर उस पे चल रहे थे तो जो गांव के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है, जो गांव, जो विकास यहां न भूतों न भविष्यों, यह सबको मालूम है, क्षेत्रवासियों को, यह कभी यहां हो ही नहीं सकता था। कितना संघर्ष किया होगा निखिलेश दादा ने और उनके सानिध्य में चल रहे दिनेश दादा ने, कितना संघर्ष किया होगा, कैसे यह रोड बन पाने में दिल्लू दादा ने कितना संघर्ष किया होगा कि यह रोड बनाने में सफल रहे, इसके लिए भी आपको इस गांव की तरफ से और अपनी तरफ से कोट कोट वंदन नमन अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के साथ में उपस्थित हैं भाई पप्पू पांडे जी, जगापुर के प्रधान, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। टिंकू शुक्ला जी है, अकोड़ा के प्रधान है, टुनटुन तिवारी जी जिनके नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम स्वागत कार्यक्रम, टुनटुन दुबे जी जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित है। ठीक है दुबे तिवारी पांडे सब एक ही हैं, चिंता खास नहीं है। उपाध्यन के अगर कह दिया जाए तो रिसी आई जाते हैं, सब लोग एक ही हैं, कोई सब अलग नहीं है। सभी का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और यहाँ आप दिल्लू दादा जो यह ऐतिहासिक काम किए हैं, यह काम संभव हो नहीं पाता है, आपने कितना मन से कितना समय खर्च किया होगा, और सब हनुमान जी महाराज की कृपा है, इस गांव पे उनकी कृपा बनी रहे। दादा ने स्थापित किया है, स्थापित को बघेलों ने किया था लेकिन दादा ने उसका जीर्णोद्धार किया है, उनकी कृपा पूरे गांव पे बनी रहेगी और हम लोग भी उसका सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे। साथियों आप एक निवेदन, यहाँ पे प्रधान साथी बैठे हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, हम लोग जनता हम लोगों को वोट दी है तो उसके प्रति हमारी जिम्मेवारी है, और हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय काफी बहुत प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, 2025 की 10,000-15,000 या तो बड़ी आबादी वाला गांव है, मेरे ख्याल से डी ब्लॉक का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, और इस गांव में 4-6 प्रत्याशी लड़े होंगे, 4,000-5,000 वोट पड़ती होगी, अच्छी खासी वोट मिली होगी दिल्लू दादा को, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि हम जितने लोग हमको वोट दिए नहीं दिए उनके प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको कभी यह न लगने पाए कि हमने वोट नहीं दिया तो अब हमारा सम्मान नहीं रहेगा, उनका सम्मान पहले होना चाहिए, जो नहीं वोट दिए हैं उनका सम्मान तो लगातार रहेगा ही, यह हम अपनी ओर से भी आश्वस्त करते हैं। और दादा का यह नेचर है कि कोई इनके हाथ, कोई इनके पास से निराश नहीं होके जाता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख काफी बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा क्षेत्र पंचायत निधि से इस गांव में कम से कम 2 हाई मास्ट की सोलर लाइट जिस चौराहे पे, जो जिस चौराहे पे जरूरत हो, कम से कम, बड़ा गांव है, छोटा गांव होता तो एक से काम चल जाता लेकिन कम से कम 2-12 मीटर ऊंचाई वाली उससे हाई मास्ट सोलर लाइट की व्यवस्था हो, और कम से कम ये 150-200 मीटर की जो इंटरलॉकिंग बनी है, दादा ये घास और चुन लीजिए, एक बड़ी इंटरलॉकिंग की सड़क क्षेत्र पंचायत से, और मनोज भाई को मैं आग्रह कर रहा हूँ तो आपको इस गांव को सौगात देने का काम करेंगे। हाँ सोलर पंप भी करता था, जब आप आ गए आप अपने जो कर देंगे वो तो आकाश हो जाएगा। तो बाकी हम चाहते हैं इस मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं, बजरंगबली मंदिर, इच्छापूर्ति महाराज का, बजरंगबली महाराज का मंदिर में उपस्थित हैं। मंदिर के लिए हम लोगों को नहीं सोचना है, दादा स्वयं यहाँ पर जब उपस्थित हो गए हैं तो इच्छापूर्ति महाराज अपनी इच्छा को पूर्ण करा देंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं, धन्यवाद। फल का उपाधि जो मिला है हमारे दादाजी श्री गीता जी को, मंच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विपुल दुबे जी, मंच में उपस्थित जो है ज्ञान प्रमुख
भाई भगवत सिंह जी, बड़े भाई अरुण मिश्रा जी, माननीय विधायक जी ने कहा जो है कि यहाँ दो सोलर लाइट और पाँच दे दिया जाए, हाई मार्क। विधायक जी ने तो दो कहा है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि गाँव में पाँच सोलर दें। जो भी करते हैं जो है 100 मीटर 50 मीटर प्रस्ताव दीजिए, 650 मीटर को लेकर उसका निर्माण जल्दी जल्दी शुरू कराएंगे। गाँव में जो है जो तालाब है इसका भी जो है कार्य कराए मनरेगा से अधिक से अधिक। हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हमारे समय पड़े हैं, हम गांव के ही है रहने वाले हैं, कोई बाहरी नहीं है। आप लोगों का जो आदेश रहेगा वो पूरा पालन होगा। हम लोगों को जो है धन जहाँ है सरकारी है सरकार, तो जैसा जो आदेश होगा मैं पालन करूँगा। मैं उपस्थित आए होगा पूरा क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। अब मैं चाहूंगा वो अपने शब्दों से हम लोगों को अभिभूत कर कुछ अपना मधुर वचन उन्हें लिख दें। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे यशस्वी विधायक विपुल दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। और हमारे बीच में दो दो ब्लाटरों उपस्थित है, मनोज मिश्रा और बबलू सिंह, हमारे भाई अरुण मिश्रा जो हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े समाजसेवी वो भी हैं उपस्थित हैं, गर्व की बात है। जे पी मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनको भी स्वागत अभिनंदन, उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे भाई चंद्र कुमार सिंह प्रधान, वो भी समझ लीजिए इस क्षेत्र के चालक हैं। हमारे बड़े भाई सिंधु भाई हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक, हमारे छोटे मुन्ना और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को का स्वागत मैं करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, इस क्षेत्र में हमारे विधायक विपुल दुबे जैसा व्यक्ति हम लोगों को मिला, ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा भाग्य है। मैं इनको लास्ट 25-30 साल से मेरे छोटे भाई जैसे मैं जानता हूँ, ऐसा व्यक्ति ज्ञानपुर में शायद ही मिलेगा। आप लोग पूरा खोज दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। बहुत बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि एक दास्ता का जीवन जीते जीते भगवान माँ भगवती ने एक ऐसा व्यक्ति को हम लोगों को दे दिया, समझ लीजिए वो तो भगवती के पार्षद, माँ भगवती के पार्षद, माने हम लोगों के लिए बहुत प्रभाग की बात है और बड़ा गर्व की बात है। विधायक जी जब टिकट पाए तो हमको लगा हम ही टिकट पा गए, और चुनाव जीते लगा हम ही चुनाव जीत गए, बड़ा गर्व है। और मैं अभी भी यही महसूस करता हूँ कि वो विधायक नहीं, हम लोग सारे क्षेत्र के लोग विधायक हैं। ऐसा दर्शित मिलना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। कहावत है कि जब आंधी आती है उसके बाद शांत होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो जो दास्ता का जीवन था वो कटा और एक बहुत अच्छा सुबह का प्रकाशमान सूर्य उदय हुआ है, उसका हम लोगों को हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके व्यक्तित्व को समझते हुए उनकी मर्यादा को हमेशा हम लोगों को रखना है। बाकी और हम कुछ बोल नहीं सकते। अब हमारे बीच में विधायक यही कहेंगे, मनोज मिश्रा जी को करना था कहीं भी आप लोगों को देंगे ही। और हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे छोटे भाई हमारे विधायक जी सबसे माने विधायक नहीं मंत्री हैं, समझ लीजिए आप। और हम माँ भगवती से कामना करेंगे, हनुमान जी की मंदिर सामने कामना करते हैं, उनसे मनाते हैं कि आप एक दिन मंत्री बने और इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, हमारी भगवती खुदा करें। बाकी जो होगा बाकी सेवा वा तो गर्भवती रहती है। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय समाज सेवी अखिलेश मिश्रा दादा जी, आपने लोगों में ऊर्जा दी है, ये बहुत आपके सरल व्यक्तित्व का परिचय है। आप इतने वजनदार व्यक्ति हैं, लोगों को महसूस नहीं होने दे रहे हैं आप क्या हैं, लोग जानते हैं। अब मैं ब्लैक प्रमुख ज्ञानपुर से आग्रह करूंगा कि दो सप्ताह में मुझे आने का मौका मिले, सबसे बड़ा मैं खुशी का विषय यह है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में, इतने अच्छे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार, इस समय हम विकासखंड डीग के ग्राम पंचायत बैरी बीसा के मधैना गांव में हैं, जहां पर यहां के प्रधान दिलीप मिश्रा उर्फ दिल्लो ने ऐतिहासिक कार्य कर दिया है। मार्गदर्शन उस दानवीर का था जिसका गुणगान पूरा पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश गा रहा है। निखिलेश मिश्र ददा के मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक कार्य यहाँ के ग्राम प्रधान ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। प्रधान जी, ऐतिहासिक कार्य किया है, आज़ादी के बाद इस गांव में पहली बार सड़क आई है, कैसे आई, क्या कहेंगे? 55 सालों से यहाँ सड़क नहीं थी, लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। हमारे गांव वाले यहाँ मधैना गांव के लोग हमसे पूछे कि प्रधान जी कैसे रोड बनेगी। हम बोला भाई चलो सबसे मिलकर सहयोग लेते हैं, सबसे पूरे गांव से मिला, सब पूरा गांव सहयोग किया हमारा, अपने भूमधरी जमीन में लोग जमीन दिए और सड़क बनाया। और आज इस दिक्कत इतना थी यहाँ जाने आने में, कोई बीमार हो जाता था गाड़ी टोचन करके बाहर निकाला जाता था, इतनी दिक्कत थी। 60 वर्षों से इस गाँव में रोड नहीं था, बहुत दिक्कत थी लोगों को। लोगों ने अपनी जमीन दी, उसमें हम सड़क बनवाया ग्राम सभा के माध्यम से। जिस तरह से एक ऐतिहासिक प्रधान हुए हैं, डीग के दूसरा सबसे बड़ा गांव है बैरी बीसा, और जिस तरह से भूमिधरी में ये सड़क का आपने लोगों के सहयोग से निर्माण कराया है, तो मार्गदर्शन और प्रेरणा किसकी रही है, आगे के लिए क्या सोच के रखा है? जगापुर पड़ान गाँव और मैदाना गाँव का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम जगापुर पड़ान के और मधैना ग्राम वालों वासियों से कोट कोट प्रणाम करते हैं और इन लोगों को हम नमन करते हैं कि ऐसा सहयोग आज तक कभी किसी ने दिया नहीं था। फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि जो पूरे गांव के मधैना गांव और जगापुर पड़ान मिल करके भरपूर सहयोग किया हमारा और सड़क बन गई हमारी। दानवीर के नेतृत्व में आज यहाँ पे दो ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख डीग और ज्ञानपुर की मौजूदगी में विधायक ने भी इस गांव के विकास का हर संभव भरोसा दिया है, क्या कहेंगे विधायक और दोनों प्रमुखों के? बहुत बहुत उन लोगों का साधुवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमारा सम्मान किया यहां तक आया, उन लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे गाँव की जनता को? गाँव की जनता को संदेश यही है कि एकजुटता में बड़ी ताकत होती है, अगर एकजुट रहेंगे कोई काम असंभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बैरी बीसा के प्रधान दिलीप मिश्रा, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है, एक इतिहास रचा है। आज़ादी के बाद गांव में अगर पहली बार सड़क आई तो वो इनकी एक बहुत ही सफलतम विकास कार्यों में होगा। वो कहा जाए जो इन्होंने शुरुआत किया है गांव के विकास का, वो इसी ऐतिहासिक सड़क के जरिए किया है। जिस स्थान पे हम खड़े हैं वो इच्छा पूर्ति हनुमान जी का यहाँ मंदिर है और इसी मंदिर से शुभारंभ हुआ है इस कार्य का। तो निकट भविष्य में डीग का ग्राम पंचायत बैरी बीसा विकास के मामले में एक नया इतिहास रचेगा, इसमें संदेह नहीं। फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।